नमस्कार दोस्तों, मैं जेके मौर्य स्वागत करता हूं आप लोगों का लॉर्ड बुद्धा इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। तो गाइज, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं संसदीय विशेषाधिकार पर आधारित क्वेश्चन को। तो ये हमारा लेक्चर 33 है, ठीक है। तो आज हम एक पॉलिटी का क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं जो कि पहले छूट चुका था। तो चलिए, क्वेश्चन है कि संसदीय विशेषाधिकार के बिना संसद सदस्य संविधान द्वारा सौंपे गए कार्यों का निर्वहन नहीं कर सकते, चर्चा कीजिए। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट विदाउट पार्लियामेंट्री प्रिविलेज कैन नॉट डिस्चार्ज द फंक्शंस असाइन टू देम बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, इसको डिस्कस करना है। तो देखिए, इस प्रश्न को लिखने से पहले इस प्रश्न को समझना ज़रूरी है। तो इसमें क्या पूछा जा रहा है, संसदीय विशेषाधिकार, पहली बात तो कीवर्ड ये है, संसदीय विशेषाधिकार के बिना संसद सदस्य संविधान द्वारा सौंपे गए कार्यों का निर्वहन नहीं कर सकते। तो सबसे पहले तो आप प्रस्तावना में संसदीय विशेषाधिकार के बारे में थोड़ा सा बता दीजिए, ठीक है। उसके बाद अब बहुत ज़्यादा आपको इसके बारे में जिक्र नहीं करना है, थोड़ा सा इंट्रो में शुरू कर दीजिए। फिर आपको क्या करना है, दूसरे पैसेज में सांसदों को संसद में स्वतंत्र रूप से कार्य करने में सक्षम बनाने हेतु जो संसद के विशेषाधिकार हैं उनकी आवश्यकता पर चर्चा करना है कि किस तरह से जो संसदीय विशेषाधिकार दिए गए हैं वो जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं उनको स्वतंत्रतापूर्वक कार्य करने में सहायक हैं, ठीक है। फिर क्या लिखना है आपको, संसदीय विशेषाधिकार का दुरुपयोग भी हो रहा है। देखिए, किसी भी चीज़ की अच्छाई है तो उसका कहीं ना कहीं दुरुपयोग भी होता है। तो संसदीय विशेषाधिकार के दुरुपयोग का एक एग्जाम्पल दे सकते हैं, दो एग्जाम्पल, ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं आपको मेंशन करना है। फिर बाद में आपको कंक्लूजन लिखना है। तो इसमें आप क्या करेंगे, ऐसे विशेषाधिकारों का संहिताकरण पर बल देते हुए एक उपयुक्त निष्कर्ष देना है। चलिए, इस प्रश्न को हम लोग देखते हैं। सबसे पहले संसदीय विशेषाधिकार की बात करते हैं। संसदीय विशेषाधिकार व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से संसद सदस्यों द्वारा प्राप्त कुछ अधिकार और उन्मुक्तियाँ हैं ताकि वे अपने कार्यों का प्रभावी ढंग से निर्वहन कर सके, ठीक है। तो एक तरह से आपका ये इंट्रोडक्शन हो गया कि संसदीय विशेषाधिकार क्या है। संसदीय विशेषाधिकार क्या है, व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से संसद सदस्यों के द्वारा प्राप्त कुछ अधिकार हैं, ठीक है, कुछ उन्मुक्तियाँ हैं, प्रिविलेज हैं, ठीक है, ताकि वे अपने कार्यों को प्रभावी ढंग से निर्वहन कर सकें, उन्हें कहीं से किसी तरह की प्रॉब्लम फेस न करना पड़े। तो इसके लिए अगर हम बात करें तो संसद के सदस्यों के लिए अनुच्छेद 105 में जिक्र किया गया है और राज्य विधानसभाओं के लिए अनुच्छेद 194 में विशेषाधिकारों का उल्लेख किया गया है। देखिए, जब आप ब्रैकेट में चीज़ों को लिख देते हैं तो आपका सेंटेंस बच जाता है, ठीक है। तो आप सीधे लिख सकते हैं संसद के सदस्यों के लिए अनुच्छेद 105 और राज्य विधानसभाओं के लिए अनुच्छेद 194। अच्छा, एक चीज़ आप लोगों को ध्यान रखना है, कुछ लोग जैसे आर्टिकल लिख देते हैं बीच बीच में, तो आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको इंग्लिश शब्दों का प्रयोग नहीं करना है, आपको बिल्कुल हिंदी में ही लिखना है, ठीक है। इंग्लिश की स्पेलिंग नहीं लिखनी है, जो भी आप लिखेंगे बिल्कुल जो देवनागरी लिपि है उसी में लिखना है आपको। अगर आपका आप अगर कोई प्रचलित इंग्लिश शब्द है जिसको आप लिख रहे हैं तो उसको आप स्पेलिंग ना लिख करके आपको हिंदी में ही लिखना है, देवनागरी लिपि में, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा लोकसभा नियम पुस्तिका के अध्याय 20 में नियम संख्या 222 और राज्यसभा नियम पुस्तिका के अध्याय 16 में नियम 187 के अनुरूप विशेषाधिकार को विशेषाधिकार नियंत्रित करते हैं, ठीक है। तो लोकसभा के लिए ये व्यवस्था की गई है विशेषाधिकारों का। तो ये पॉइंट्स आप याद रखिए, अब एग्जाम में कितना याद आता है, देखिए सारे फैक्ट तो आपको नहीं याद आएंगे, लेकिन चूंकि मैं क्वेश्चन को फ्रेम कर रहा हूँ तो मेरा बताना आपका दायित्व तो है, कितना याद है वो आप एग्जाम में लिखेंगे। ये आर्टिकल जरूर याद रखिएगा, संसद के लिए 105 और राज्य विधानसभाओं के लिए 194। अब विभिन्न संसदीय विशेषाधिकार, ठीक है। अब संसदीय विशेषाधिकार कौन कौन से हैं इसको हम लोग देख लेते हैं। तो एक तो है भाषण की स्वतंत्रता, तो जो संसद और राज्य विधानसभा के सदस्य हैं इनको भाषण देने, ठीक है, और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का पूरी तरह से अधिकार है। आपने देखा होगा संसद के अंदर ये कुछ भी अगर बोलते हैं, कुछ भी बोलते हैं, किसी के प्रति कुछ भी बोलते हैं तो उसके लिए जो है न्यायालय में उन्हें नहीं लाया जा सकता है, ठीक है। तो संसद की चारदीवारी के अंदर, ठीक है, कुछ भी करते हैं, कुछ भी बोलते हैं, आप लोगों ने देखा होगा कि खूब एक दूसरे को गाली गलौज करते हैं, धक्का मुक्की करते हैं, तो उसके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की जा सकती है, ठीक है। और इनको जो है संसद के किसी भी सदन को सदस्य को इनकी चारदीवारी के बाहर कहीं भी किसी कार्य करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है, जैसे कि कानूनी अदालत में या सदन और उसकी समितियों में
अपने विचार को व्यक्त करने के लिए उनके साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता है। ठीक है, इन्हें देखिए गिरफ्तारी से भी मुक्ति मिली है, किन दशाओं में है, तो अगर संसद का सत्र चल रहा है या चलने वाला है तो संसद के सदन के स्थगन के 40 दिन पहले, ठीक है, और बाद में, ठीक है, सदन के सत्र के दौरान भी इन्हें गिरफ्तार नहीं किया सकता है। इसका अर्थ यह भी है कि किसी भी सदस्य का उस सदन की अनुमति के बिना संसद की सीमा के भीतर गिरफ्तार नहीं किया सकता है जिससे वह संबंधित है। ठीक है, तो देखिए अगर सदन की जो लोकसभा अध्यक्ष होता है या जो विधानसभा अध्यक्ष होता है उसकी अनुमति के बिना, ठीक है, संसद की सीमा के भीतर भी उसे गिरफ्तार नहीं किया सकता है जिससे कि वह संबंधित है। गवाहों के रूप में उपस्थिति से छूट है, संसद और विधानसभा के जो सदस्य हैं इनको गवाह के रूप में उपस्थित होने की स्वतंत्रता प्राप्त है। ठीक है, वाद विवाद और कार्यवाही प्रकाशित करने का अधिकार, देखिए जो सदन है संसद या विधानसभा, ठीक है, आवश्यकता पड़ने पर प्रेस को अपनी कार्यवाही प्रकाशित करने से रोक सकती है। देखिए जो प्रेस वाले हैं उतना ही मैटर जो है वो पब्लिश कर सकते हैं जिसकी अनुमति संसद देगा, संसद या विधानसभा देगा, उसकी अनुमति के बिना कोई भी चीज़ वहाँ से वो पब्लिश नहीं कर सकते हैं। गैर संसदीय सदस्यों को बाहर करने का अधिकार, ठीक है, संसद में हालांकि ऐसे तो घूमने के लिए जा सकते हैं लोग, लेकिन इसमें क्या है, इसमें जो गैर संसदीय सदस्य हैं, ठीक है, उनको वहाँ से बाहर किया जा सकता है। इसका उद्देश्य यही है कि संसद के सदस्य को डराने या धमकाने की किसी भी संभावना को दूर करना। ठीक है, चलिए सदस्यों और बाहरी लोगों को दंडित करने का अधिकार, तो जो संसद है, जो विधानसभा अध्यक्ष या लोकसभा अध्यक्ष है, वह सदन की अवमानना होने पर जो संसद के सदस्य हैं उनके खिलाफ दंडात्मक कार्यवाही कर सकती है, और सदन के बाहर भी कोई संसद की जो अवमानना करता है तो उसके लिए भी वो दंड का प्रावधान कर सकता है। ठीक है, और इसके लिए न्यायालय कुछ नहीं कर सकता। संसदीय विशेषाधिकारों का महत्व तो क्या है इसके बारे में देखते हैं, तो सदन और संसदीय समितियों, ठीक है, के प्रत्येक सदन के सदस्यों को प्रदान की गई छूट, अधिकार या उन्मुक्तियाँ उनके द्वारा किए गए कार्यों की स्वतंत्रता और प्रभावशीलता को सुरक्षित करती है। ठीक है, तो विशेषाधिकार इनको इसलिए दिया गया है कि इनको अपने कार्यों में स्वतंत्रता मिले, उसकी प्रभावशीलता सुरक्षित रहे। संसदीय विशेषाधिकार जो है संसद सदस्यों की गरिमा, अधिकार और सम्मान को बनाए रखने में मदद करते हैं। ठीक है, तो जो संसदीय विशेषाधिकार है इससे क्या है, क्योंकि देखिए जो विधानमंडल होता है वो क्या है, वो विधान बनाने वाली सर्वोत्तम संस्था होती है, तो इसलिए उसकी गरिमा, उसके अधिकार और उसके सम्मान को बचाए रखना जरूरी है, इसके लिए भी संसदीय विशेषाधिकार जरूरी है। संसदीय विशेषाधिकार सदनों के सदस्यों को उनके कार्यों के निर्वहन में किसी भी बाधा से सुरक्षा प्रदान करते हैं। संसद के दोनों सदनों और उनके सदस्यों के प्रभावी कामकाज हेतु किसी बाहरी पार्टी या व्यक्ति के हस्तक्षेप के बिना आंतरिक स्वतंत्रता मौजूद होनी चाहिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। जो सदन है वैधानिक प्राधिकरण के किसी भी हस्तक्षेप के बिना आंतरिक रूप से सदस्य संबंधित मुद्दों से निपट सकते हैं, यानी कि जो संसद है, ठीक है, पार्लियामेंट के अंदर न्यायालय का किसी भी तरह से कोई हस्तक्षेप नहीं हो सकता है। हमारे यहाँ जो विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका है पूरी तरह से इनको स्वतंत्र रखा गया है। ठीक है, तो संविधान के हिसाब से ये अपने आंतरिक रूप से अपने मुद्दों को ये जो है आंतरिक रूप से सॉल्व कर सकते हैं, इसके लिए न्यायालय का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। विशेषाधिकार क्या है, विशेषाधिकार देने का उद्देश्य क्या है कि जो संसद के सदस्यों को कानून से ऊपर रखना नहीं है कि उनको विशेषाधिकार मिल गया है तो ये जो है स्पेशल पर्सन हो गए, कानून से ऊपर हो गए, बल्कि ये इसलिए किया गया है कि अपने कर्तव्यों को प्रभावी ढंग से और स्वतंत्र रूप से करने का इन्हें मौका देना है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। हालांकि कई बार ऐसे विशेषाधिकारों का दुरुपयोग हो जाता है, तो दुरुपयोग का कुछ एग्जाम्पल दे दीजिए, इनका दुरुपयोग हो जाता है, जैसे कि अगर हम बात करें तो हाल ही छोड़ दीजिए 2018 की बात है, तो केरल सरकार ने विधानसभा में आरोपित अपने विधायकों के खिलाफ आपराधिक मामले वापस लेने हेतु ये याचिका दायर की गई। क्यों दायर की, उसने कहा कि ये सरकार ने संसदीय विशेषाधिकार का दावा का तर्क प्रस्तुत करते हुए कहा कि घटना विधानसभा हाल के अंदर हुई थी, तो इसलिए इसे सजा देने का दायित्व किसका है, तो ये विधानसभा अध्यक्ष विधानसभा देगी, तो इसमें न्यायालय को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। तो इस तरह से कभी कभी इसका दुरुपयोग भी हो जाता है। ठीक है, अब देखिए विशेषाधिकारों, अब हम कंक्लूजन की तरफ आगे बढ़ते हैं, कंक्लूजन लिखते हैं। विशेषाधिकारों को संहिताबद्ध करने और विधायी विशेषाधिकारों पर नागरिकों को प्राप्त अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार को प्रधानता देने की आवश्यकता है। ठीक है,
तो इसमें क्या है कि जो विशेषाधिकार है इनको संहिताबद्ध करने की ज़रूरत है। जो विधायी विशेषाधिकार है इस पर नागरिकों को प्राप्त जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है इसके अधिकार को प्रधानता देने की आवश्यकता है। साथ ही विधायकों को अपने कर्तव्य का निर्वहन जनता के भरोसे को ध्यान में रखकर करना चाहिए। अब सोचिए कि जो नेता जो वहाँ पे संसद में धक्का मुक्की करते हैं, मारपीट करते हैं, क्या वो विशेषाधिकार अगर इस तरह से करेंगे तो विशेषाधिकार के लायक ही नहीं है, ठीक है? तो इसलिए उनको भी अपनी मर्यादा में रहना चाहिए, अनुशासन में रहना चाहिए, जनता का विश्वास हासिल करना चाहिए, ठीक है? अपना अपने कर्तव्य का निर्वहन जो है अच्छे से करना चाहिए ताकि जनता जो है उस पर भरोसा कर सके, क्योंकि जिस उद्देश्यों की पूर्ति के लिए जनता ने उसे अपना प्रतिनिधि बना करके, ठीक है, पार्लियामेंट में भेजा है, तो क्या होना चाहिए, उनको जो है जनता के मुद्दों को आसानी से सुलझाना चाहिए, ठीक है? उस पर आपस में वाद विवाद करना चाहिए और उसका जो सॉल्यूशन होना चाहिए वो देना चाहिए, न कि धक्का मुक्की करना चाहिए, न कि धक्का मुक्की करके संसद की गरिमा को ठेस पहुंचाना चाहिए, ठीक है? तो चलिए बस आज इतना ही, और इसके बाद आप लोग संडे को टेस्ट के लिए रेडी रहिएगा। संडे को पूरे वीक में जितना कराया गया है उससे रिलेटेड ही टेस्ट होगा। थैंक यू गाइज, मिलते हैं अगले क्लास में। और अगर आप हमारे इस बैच से जुड़ना चाहते हैं, TGT, PGT, GIC PGT या फिर मेंस GIC PGT के लिए, UP GIC मेंस ऑप्शनल के लिए, तो आप हमारे इस दिए गए नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और कॉन्टेक्ट करके आप हमारा इस क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू गाइज, गुड नाइट।